हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीथिंग इज़ बेस्ट में। आज मैं आपके लिए आया हूँ कि पेंशन लोन क्या होता है, पेंशनर के हिसाब से अपना लोन ले सकते हैं। तो देखिए, किसी भी जो पेंशनर्स का जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का जो पेंशनर्स हो, जिसका अकाउंट आपका SBI बैंक में है, तो आसानी से आप लोन ले सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी डिफेंस में आप सर्विस करते हो, आप रिटायर हो गए हैं, तो आपको ये लोन एलिजिबल हो जाता है। और एज लिमिट इसके लिए है 76 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज के लिए कोई भी इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है। प्रोसेसिंग फीस में नहीं लगती है बिल्कुल भी, और आपकी जो EMI कटेगी वो आपके अकाउंट से कटेगी हर महीने इसके अंदर, ठीक है। प्री पेमेंट जो पेनल्टी होती है वो 3% यहाँ पर आपकी लगेगी। इसमें आपको किसी भी एक्स्ट्रा इंश्योरेंस को परचेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, कोई कोई बैंक जो होता है वो अधिकतर क्या करता है कि आपको आपका जो पर्सनल लोन होता है उस पर एक इंश्योरेंस करके देता है ना, उसका पैसा आपको अलग से भरना पड़ता हर साल। तो वो आपको इसमें इंश्योरेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर होता यह है कि आपको कुछ हो जाता है तो उस इंश्योर आपको उस लोन का पैसा इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको फिल करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी इंश्योरेंस परचेस करने आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगेगा, ठीक है। कितना लोन मिलेगा? कम से कम 25,000 का लोन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पेंशन पर डिपेंड करता है, पेंशन के अमाउंट पे, कि आपकी पेंशन का अमाउंट कितनी है और आपकी एज कितनी है, ठीक है। यदि हम बात करें सिक्योरिटी की, तो आपको किसी भी एडिशनल सिक्योरिटी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स जो हमेशा लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी और PPO की कॉपी, वो भी ओरिजिनल लगेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा, अगर मैं पेंशन के लिए पूरा का पूरा एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसी टाइप की वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।